शासन प्रशासन बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के दावे करते थकते नहीं, लेकिन हम आपको सरकारी दावे की जमीनी हकीकत दिखाने जा रहे हैं। जर्जर स्कूल भवन पखांजूर क्षेत्र के मरकाछुआ गांव का है, जहां इंसान तो दूर मवेशियों को भी नहीं रखा जा सकता। कांकेर जिला के अंतर्गत पखांजूर तहसील के लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत के आश्रित गाँव मरकाछुआ के ग्रामीण सरकार और तमाम सरकारी तंत्र से हताश होकर स्वयं इस झोपड़ी का निर्माण कराया है, ताकि उनके बच्चे इस झोपड़ी में पढ़ाई कर सकें। इस गांव के स्कूल में प्राथमिक कक्षा में 40 और माध्यमिक में 27 बच्चे अध्ययनरत हैं। कुछ 67 बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा बनाए गए स्कूल भवन इतने जर्जर अवस्था में है कि छत से छड़ बाहर निकल रही है। बारिश का पानी छत से रिसने के कारण कमरों में पानी भर गया है, साथ ही स्कूल के भवन की दीवारों पर दरारें भी आ गई है। एक ही संस्था में स्कूल लगाए जा रहे हैं और एक रूम में दो तीन क्लास के बच्चों को बैठाला जा रहा है, तो हमने मीटिंग लिया। मीटिंग में बताया कि भाई बच्चों को बैठने की व्यवस्था कीजिएगा, क्योंकि यहाँ का भवन एकदम जर्जर हो चुका है, रिस रहा है, पानी गिर रहा है, हम लोग नहीं बैठा सकते। तो उन्होंने, गांव वालों ने फैसला किया और ये झोपड़ी तैयार कर रहे हैं। अभी क्या हमारे संकुल में तो इस बिल्डिंग का जर्जर हालत में है, तो हमारे सर लोग जितने हैं वो मीटिंग में, शाला प्रबंधन समिति मीटिंग में चर्चा किया है, तो गांव वाले देख रहे हैं। एक्चुअली सही बात है कि स्कूल में प्राथमिक मीटिंग लगना संभव नहीं होता है, इसी कारण गांव वाले के अपने पढ़ाई के जागरूकता दिखाते हुए शायद इसको बनाया है, तो उनका अभिमत अनुसार ही वो गांव वाले बनाए हैं, वो हम दे दिए हैं। इसका जानकारी हम अति जर्जर में दे दिए हैं सर। यह जर्जर भवन कब ढह जाए और नीचे बैठा बच्चे को कब अपने आगोश में ले ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्कूल के शिक्षक और ग्रामीणों ने कई बार विभाग को इस जर्जर भवन की जानकारी दी, परंतु निष्क्रिय सरकारी तंत्र के चलते इस स्कूल और बच्चों के भविष्य के प्रति किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई। अब देखना होगा कि ग्रामीणों के एक कदम आगे जाकर जन सहयोग से वैकल्पिक स्कूल भवन की व्यवस्था किए जाने के बाद शासन प्रशासन की आंखें कब खुलती है और इस गांव को एक बेहतर स्कूल भवन दिलाया जा सके। इंडियन न्यूज़ के लिए पखांजूर से रविंद्र मंडल की रिपोर्ट।